जौनपुर के पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह अब मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। जी हां, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब वो जेल जा चुके हैं। जहां एक तरफ धनंजय सिंह चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जौनपुर सीट पर अलग प्रत्याशी घोषित हो गया। और इस बीच धनंजय सिंह ने ऐलान कर दिया, या यूं कहें तो तेवर दिखाने शुरू कर दिए कि वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस तेवर के बीच अब कानून का एक फैसला सामने आ गया है। कानून का फैसला ये कि एक मामले में, धमकी के मामले में, धमकाने के मामले में, रंगदारी के मामले में धनंजय सिंह को दोषी करार दे दिया गया है। ये पूरा मामला 2020 का बताया गया है, जहां पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल को धमकाने के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को दोषी करार दिया गया है। और अब इस मामले में धनंजय सिंह पर कल सजा सुनाई जाएगी। MPMLA कोर्ट के न्यायाधीश शरद त्रिपाठी की न्यायालय में ये मुकदमा चल रहा था। 10 मई 2020 का ये पूरा मामला बताया गया है, जब अभिनव सिंघल ने धनंजय सिंह और उनके साथी संतोष विक्रम सिंह पर अपहरण, रंगदारी मांगने और धमकी देने के मामले में जौनपुर के लाइन बाजार थाने में FIR दर्ज करवाई थी। अभिनव सिंघल का आरोप था कि धनंजय सिंह ने कम गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति के लिए दबाव बनाया था। जब प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने मना कर दिया था इस बात को लेकर, तो धनंजय के करीबी संतोष विक्रम ने अपने दो अन्य साथियों के साथ आकर अभिनव का अपहरण किया और धनंजय के घर ले जाकर वहां पर मारपीट की और पिस्तौल तानकर जान से मारने की धमकी दी। लेकिन अब इस मामले में जब आज कोर्ट ने धनंजय सिंह को दोषी करार दे दिया, तो पुलिस उन्हें हिरासत में जेल लेकर गई। और इसके पहले धनंजय सिंह ने कहा कि एक राजनीतिक मामला था, उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। न्यायपालिका के ऊपर नहीं कुछ कहा जा सकता है, लेकिन एक करप्शन का मामला था, सबको मालूम था। नमामि गंगे जो यहाँ पे जिस तरीके से काम चल रहा था, उस वही इशू था। और उसमें सारी चीज़ें FIR करता ने एफिडेविट दी थी, सारी चीज़ें हो गई थी। अननेसेसरी का इस तरीके का, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। चलिए, जो गवाही हुई थी वो बिल्कुल। देखिए, न्यायपालिका के ऊपर हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते, देखते हैं कल लेट द जजमेंट कम फर्स्ट। जौनपुर से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट, UP तक।